लोकसभा चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में जो शुरुआत हुई थी वो तो बेहतरीन हुई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफी साउंड थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो तेजी थी वो फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पेशली जो एसिक्स निफ्टी है वो तो आपको बहुत बेहतरीन संकेत दिखाएगा, लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ तक आते आते वो जो तेजी थी वो पूरी तरह से फिजल आउट हुई और बाजार दिन के निचले स्तरों बंद हुए। 17,000 वो जोन जहां पर मेजर रिपोर्ट राइटर्स एक्टिव हैं, 17,150 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस मार्केट मान रहा था, लेकिन क्लोजिंग 17,150 के नीचे आते हुए दिखाई पड़े। 17,100 के आसपास ये क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी 17,200 से नीचे आप इसी क्लोजिंग मान सकते हैं। तो वो एक बड़ा फैक्टर इसको मार्केट्स ने थोड़ा सा थम्स डाउन दिया है, लेकिन फिर भी 17,000 एक अभी भी एक बढ़िया बेस के तौर पर निफ्टी में कामकाज करेगा और 17,450 के आसपास ऊपर रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। निफ्टी बैंक के केस में भी 36,000 को एक क्रूशियल बेस के तौर पर मान रहा था, जो कि मार्केट ने सेकंड हाफ के अंदर टेस्ट भी किया, लेकिन ऊपर 36,500 के आसपास थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। ओवरऑल फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के पिक्चर में काफ़ी अंतर है। फर्स्ट हाफ में आपको बढ़िया तेजी दिखाई पड़ेगी आज मेटल में, मेटल तो सेकंड हाफ तक भी लीड कर रहा था। सीमेंट, कुछ पेपर स्टॉक्स में, सीमेंट स्टॉक्स में, आईटी में, बैंक्स में सेलेक्टिव, लेकिन सेकंड हाफ तक आते तो फिजल आउट हुआ और सिर्फ मेटल ऐसा इंडेक्स रहा जो कि अपने रिकॉर्ड स्तरों पर जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज प्रेशर रहा एफएमसीजी स्पेस के अंदर, जहां पे कुछ हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा, बैंकिंग में, पावर में जहां पे बिकवाली रही, और रियल स्टेट स्पेस में, सीमेंट स्पेस में कुछ ऐसे नाम थे जहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मूड माहौल सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ा सा फिजल आउट ज़रूर हुआ। लगातार जो तेज़ी थी मार्केट्स की, उसको दो बड़े ट्रिगर्स ड्राइव कर रहे थे हाल फिलहाल में, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड था तो ऑब्वियसली बात है जितनी शॉर्ट पोजीशन थी वो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी, तो वो शॉर्ट्स पोजीशन कैरी फॉरवर्ड जो हुई थी वो थोड़ी सी फिजल आउट हुई, नई शॉर्ट्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़े। दूसरा, नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को एक बड़ी रीबैलेंसिंग थी फुटसी की, जिसकी वजह से भी FIs का आंकड़ा काफ़ी बड़ा देखा था आपने, तो वैनगार्ड के कई सारे बाय सौदे पड़े थे जो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, तो आज वो भी थोड़ा सा ईज आउट रहे, तो उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा लैकलस्टर ट्रेड किया, लेकिन अभी भी जानकारी मान रहे कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है मार्केट्स में एज ऑफ नाउ जो प्रेशर है, तो वेट एंड वॉच। सबसे बड़ा प्रेशर जो मार्केट में अभी क्रिएट हो रहा है वो है क्रूड, $110 के आसपास है, वही सबसे बड़ा फिलहाल कंसर्न है इनपुट कॉस्ट बढ़ने को लेकर। डीजल प्राइसेस बल्क में बढ़ाए दिए गए हैं, रिटेल का भी बढ़ सकते हैं, और वो बढ़ते हैं तो वो और इनपुट कॉस्ट के ऊपर फर्दर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आप कीनली वॉच करिएगा, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना सबसे बड़ा कंसर्न अभी मार्केट्स में एटलीस्ट Q1 और Q2 के नंबर्स के अंदर आता दिखाई पड़े, Q4 नंबर के ऑनवर्ड्स ही शायद इम्पैक्ट देखने को मिल भी जाए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, इनफैक्ट कोई नंबर अभी तक तो मेरे पास दिख ही नहीं रहा है जो कोई भी सवाल है। चलिए खैर, दो तीन सवाल जो मेरे पास अभी आ रहे हैं वो है, स्टार्टेड SIP इन TCS। घोषाल साहब, अगर आपका होराइजन 10-20 साल के लिए है तो सही है, मतलब मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ 10-20 साल के लिए। देखिए, बहुत सारे तर्क भी हैं और कुतर्क भी हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले कुछ तर्क की बात कर लेता हूँ। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टाटा का ज्वेल, कैश रिच कंपनी, स्ट्रॉन्ग मार्जिन, और ऑब्वियसली बात है ग्लोबली इस तरह एक्सेंचर अपनी गाइडेंस को रिवाइज कर रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर, तो शायद इसकी ग्रोथ रहेगी, और कंपनी खुद भी बहुत तेज़ी से अडाप्ट करती है चीज़ों को, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अडाप्ट भी बहुत अच्छा किया है। इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, 28-30 रुपये का डिविडेंड देती है, 875 रुपये का IPO था, आज एडजस्टमेंट के बाद करीब 125 रुपये का IPO बैठता है, जो आज आपके सामने 3600-3500 की रेंज में, तो ये तो कुछ प्रोज हो गए। अब कॉन्स की साइड पर आप जाएंगे तो 37 के मल्टीपल पर स्टॉक कामकाज कर रहा है, इक्विटी साइज 377 करोड़ शेयरों का है। उसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए मूव करना मुश्किल होगा क्योंकि साइज़ बड़ा है, लेकिन स्टेबिलिटी एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो को देगा, तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद किस हद तक ये ग्रोथ दिखाएगा ये भी कुछ सवाल उठते हैं, लेकिन इसका भी एक काट ये है कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये कंपनियों का साइज़ ही बढ़ेगा, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि IBM और फेसबुक और एक्सेंचर जैसी कंपनियों के सामने की कंपनीज जैसे साइज़ की कंपनियों के सामने अभी भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है इंडियन IT कंपनीज में, तो आप उस लिहाज से देख सकते हैं। तो कोई ख़राब वो नहीं है दौर, 4500 का बायबैक है, पुराने सारे बायबैक के लेवल्स को अचीव किया है, शायद ये भी अचीव होगा, तो TCS तो रहेगा ही एटलीस्ट 20 साल, ऐसी तो उम्मीद लगा ही सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं, मतलब इस कंपनी के फंडामेंटल में कोई दो राय नहीं है, और ब्रोकरेज हाउस से टारगेट्स भी यहाँ पे 4,000-4,500 के हैं। ओके,
एंजल वन, कपिल साहब इसमें पिछले सत्र में बहुत बढ़िया तेजी थी 15% के आसपास की, वो क्योंकि एक बड़ा जो ब्लॉक है वो खरीदा था वैनगार्ड ने फुटसी रीबैलेंसिंग के तहत, जिसकी वजह से खरीदारी हुई 1.5% के आसपास की इक्विटी उन्होंने खरीदी थी इसमें। खैर फंडामेंटल वाइज 10 करोड़ के आसपास के अकाउंट्स ऑलरेडी बीएससी ने डिक्लेयर कर दिया कि डीमैट अकाउंट खुले हैं और माना जा रहा है कि उसका 10% हिस्सा इनके पास है, तो एक बड़े चंक में ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं, कंपनी सो फार गुड है। लेकिन किस हद तक मेंटेन रखते हैं इस अकाउंट्स को, कितना चर्निंग होती है, कितने डेड अकाउंट होते हैं, कितनों से रियलाइजेशन इंप्रूव होता है, ये सब चीज़ों पर आपको नज़र रखनी होगी। तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मोमेंटम बेस्ड है, लेकिन ब्रोकर हाउसेस के स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा लंबे अवधि तक बहुत ज़्यादा पैसा बना के नहीं दिया है पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए। हाँ, लेकिन ऐसे क्लाइंट एडिशन भी नहीं थे पुरानी हिस्ट्री में, तो आप वेट एंड वॉच करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और धीरे धीरे नंबर्स को इवेलुएट करते रहिएगा हर क्वार्टर के, कैसे कैसे सेल्स एडिशन, क्लाइंट एडिशन आ रहे हैं। मैनेजमेंट भी बहुत इनके एक्टिव हैं, आते रहते हैं एक्सेल चैनलों पे, तो आप उनकी कमेंट्री भी सुन सकते हैं, वो भी एक अच्छा ट्रिगर आपके लिए बन सकता है। रुचि सोया FPO, मिश्रा साहब मुझे थोड़ा सा स्केप्टिकल है इस कंपनी को लेकर कुछ चीज़ें। मिसाल के तौर पे 2019 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो करीब करीब 77 करोड़ रुपए के आसपास था, लास्ट ईयर का जो फुल ईयर प्रॉफिट था वो 772 करोड़ रुपए के आसपास था, तो 10 टाइम्स इनका प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि इनकी सेल्स पिछले 3 साल में 1300 करोड़ से 1600 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए दिखाई पड़ी, वहाँ पे बहुत बड़ा सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है। डेट वाइज उस समय पर डेट कम था, अभी डेट ज़्यादा है 300 करोड़ रुपए, उसके बावजूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बड़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंपनी भी प्रोडक्ट अच्छे लॉन्च कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी FMCG कंपनियों की इस तरह की ग्रोथ नहीं है जिस तरह की ग्रोथ इन्होंने पकड़ी है। तो या तो ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से है, तो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और नीचे की तरफ FPO बनाने का क्या लॉजिक है, अगर डिस्काउंट देना भी था तो इतना बड़ा डिस्काउंट 1000 से 600 रुपये। सो इसलिए एक बार को मैं स्केप्टिकल हूँ। FMCG में ऑलवेज जाइंट्स हैं ही आपके पास, अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी करेक्ट भी हो चुकी हैं हायर लेवल से, उनको भी देख सकते हैं। और अगर सिचुएशन को इवेलुएट करते रहेंगे तो इसके नंबर्स पे अभी इतना कोई ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है, एटलीस्ट पुराने आंकड़ों को देख के 2 साल के, तो और थोड़ा और सिचुएशन को इवेलुएट करने की ज़रूरत है, फिर ज़्यादा बेटर इस पर कॉल ली जा सकती है। लेकिन आप हैवी वेट्स के साथ रहें सेक्टर में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, डेल्टा कॉप 268। सर ये डेल्टा कॉप के केस में एक रीज़न ये हमेशा रहा है कि आप मतलब आज तो तेज़ी उस वजह से थी कि वीकेंड में गोवा में काफ़ी रश था, तो मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया उसके लिहाज से। आपको याद होगा थर्सडे को लिकर ऐसी तेज थे और आज ये बहुत तेज़ है, तो ये मोमेंटम है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मोमेंटम में कितना कन्वर्जन आता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए ऑब्वियसली बात है, 2 साल से सिचुएशन लॉकडाउन ना लॉकडाउन, लॉकडाउन ना लॉकडाउन की रही है, अब आप नॉर्मलाइज में आ चुके हैं। नॉर्मलाइज होते ही वापस रश बढ़ गया है गोवा और बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो पहले जैसी सिचुएशन अगर होती है तो शायद वापस तेज़ी पकड़े और अपने पुराने हाइस को काटे, तो क्योंकि नंबर तो इम्प्रूव होंगे ही, डेट फ्री कंपनी है, केपेक्स पूरा कर चुकी है, कैश रिच है और मैनेजमेंट भी बढ़िया है, मोदी साहब की कंपनी है, तो अदरवाइज में कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है। हैविंग सेड दैट, इंडिया टूरिज्म अगर वापस, इसका एक दूसरा आस्पेक्ट ये भी है कि अगर सब कुछ नॉर्मलाइज होता है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल जाती हैं, तो इंडियन टूरिज्म जो है वो इंडिया में ट्रैवल होना बंद हो जाएगा और बाहर के टूरिज्म चालू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी वो दूर की कौड़ी दिखाई पड़ रही है कि चाइना और बाकी जगहों पर कोविड केसेस दोबारा बढ़े हैं और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, तो इसीलिए एक बार को आप रख सकते हैं। आज अच्छे तेज़ी थी, सर्किट था, शायद कैरी फॉरवर्ड भी हो, एफेंडो का शेयर है, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी तेज़ी मोमेंटम रह सकता है, तो आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। विच सेक्टर्स राइज इन मार्केट फॉल ग्रोथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स? सर मैं इसको समझा नहीं आपके सवाल को तलवार साहब, लेकिन फिर भी मार्केट की फॉल में अगर आप पूछ रहे हैं कौन से सेक्टर चलने चाहिए, तो सर देखिए बहुत बेसिक जो लॉजिक कहता है, जब आपके सामने हर तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो और हर तरीके से कंसर्न हो इनपुट कॉस्ट के बढ़ने के, तो आप उन सेक्टर में जाइए जो कि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी चलाते हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको एंड ऑल लिकर, क्योंकि वहाँ पर इतना बहुत इम्पैक्ट आता नहीं और जो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है वो कंजम्पशन स्टोरी की वजह से थोड़ा हद तक निगेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसमें ही ये डेल्टा कॉप, PVR, आइनॉक्स एंड ऑल जैसे स्टॉक्स भी आते हैं, बाटा, इवन जुबिलेंट फूड, इस तरह की कंपनियाँ भी आती हैं। लेकिन जुबिलेंट फूड ब्रिटानिया में तो ऑलरेडी इनपुट कॉस्ट का बहुत मेजर इम्पैक्ट है जो कि इनके नंबर्स में दिख रहा है और इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी है।
तो आप इस तरह की कंपनियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रिगर के हिसाब से काम काज कर सकते हैं, लेकिन ये मीडियम टर्म में काम काज करेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं। ओके, स्पीक फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म एट करंट लेवल। सुनीता जी, आज इसमें खबर आई थी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर प्रमोटर्स को, उस खबर के आधार पर इसमें एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। हैविंग सेड दैट, सन फार्मा ऑलरेडी अपने हाई से थोड़ा सा नीचे है, 1200 के आसपास के पुराने हाईज हैं। अगर वो रिज्यूम करता तो स्पीक भी शायद उसे फॉलो अप करता हुआ दिखाई पड़े। तो ठीक ठाक मोमेंटम में है, वो खबर को आप एक बार देख लीजिए, उसके अलॉटमेंट के प्राइस को देख लीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है आप बन जा सकते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं इस कॉल को। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स चल नहीं रहा। मिश्रा साहब, बहुत कुछ नहीं चल रहा वैसे तो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नहीं, बहुत कुछ ही नहीं चल रहा बाज़ार में, लेकिन फिर भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के केस में, मतलब मैं रिसेंटली एक इक्विरस की रिपोर्ट थी उसको ही रिफ़र करूँगा, या रादर दो तीन रिपोर्ट्स और भी आई थी, उनमें भी एक आधा जो कैपिटल केमिकल शॉर्टेज हो रहा है चाइना में फैक्ट्री बंद होने की वजह से, उसका एक इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़े, जो रिसेंटली जुबिलेंट इंग्रेविया दीपक नाइट्राइट के लिए ट्रिगर बने थे तेज़ी के, तो उनमें जब तेज़ी आई थी तो शायद ये भी लग रहा था चलेगा, लेकिन इसने पार्टिसिपेट किया नहीं। तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा और समय के बाद शायद चलता हुआ दिखाई पड़े। बाकी क्वार्टरली नंबर्स को आप क्लीनली ये वाले को देखिएगा, क्योंकि पहले क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, दूसरे के कमज़ोर थे, तीसरे के अच्छे थे, चौथे और आगे पांचवे और लाइक वाइज कैसे नंबर्स आते हैं, क्या कमेंट्री होती है, इसको आप क्रूशियली वॉच करिएगा। इनपुट कॉस्ट इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट, प्रणव साहब, हाईएस्ट कैपेसिटीज़ 125-130 मिलियन टन की कैपेसिटी है, लार्जेस्ट प्लेयर है सीमेंट का, और पेंट में भी उतर रहा है, जिसमें 5-6% के आसपास का मार्केट शेयर आई कर रहे हैं, इसके लिए केपेक्स कंप्लीट कर रहे हैं ये भी अपना, तो नियर टर्म में डेट थोड़ा बढ़ा रहेगा, लेकिन अदरवाइज सीमेंट की द बेस्ट या फाइनेस्ट कंपनी जो है वो आपके पास है, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो इसमें कुछ मतलब अगर यहाँ से बढ़िया डाउनसाइड या रिस्क खुल जाता है या थोड़ी गिरावट आ जाती है तो एक अच्छा मौका रहेगा, लेकिन अदरवाइज कंपनी में ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है, इसीलिए बहुत हाई लेवल से टूटा भी नहीं है अभी भी। बाकी सीमेंट के कंपैरिजन में, जैसे आप जेके को देखिए, बिरला कॉप को देखिए, इंडिया सीमेंट को देखिए, नुवोको को देखिए, उसके सामने तो फिर भी बहुत बेटर पोजीशन में है, तो इसलिए आप बने रह सकते हैं। थोड़ा प्राइस हाइक एक बारी हो गया अगर सीमेंट में तो अच्छा टेलविंड के तौर पे काम काज करेगा, क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी, तो इनके लिए बढ़िया ट्रिगर बन के सामने आ सकता है। ओके, कैपिटल प्रोटेक्शन, सिंह साहब, कैपिटल प्रोटेक्शन ऐसे बहुत लंबा टॉपिक है, इसे बहुत सारा टाइम खा जाऊंगा मैं, लेकिन मैं इसको छोटे में अगर समझाना चाहूँ तो ऐसे समझाना चाहता हूँ कि आप जब भी कभी पैसा डालें बाज़ार में, कोशिश ये करें कि उन कंपनियों में डालें जिनमें आपका कैपिटल बचा रहे, क्योंकि आप छोटे गेन के लालच में, से फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये का शेयर लेके 100 रुपये में हो जाएगा हम बेच देंगे, या 60 रुपये हो जाएगा बेच देंगे, या 3 रुपये का शेयर 3.5 रुपये हो जाएगा हम बेच देंगे, इस तरह के लालचों में आप पैसा बनाने की चक्कर में वो कैपिटल गवा बैठते हैं जो आप लगाते हैं बाज़ार में। तो पहली प्रायोरिटी रखिए कैपिटल प्रोटेक्शन, जिसमें आप हैवी वेट्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी दिन बाज़ार जब बिल्कुल क्रैश होगा, जो सिचुएशन कभी भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, किसी भी सिनेरियो में आ सकती है, तो जब वो सिनेरियो आएगा तो वो बाज़ार नीचे आएंगे और सारे शेयर भी नीचे आ जाएंगे उसके साथ, लेकिन क्योंकि वो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर हैं, अपने अपने सेक्टर के दिग्गज हैं, अग्रणी बिजनेस हैं, तो जब तक बिल्कुल ही दुनिया ख़त्म ना हो जाए तब तक वो एटलीस्ट बचे रहेंगे। तो आप उसमें आप रहकर अपनी कैपिटल को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर लीजिए एक लेवल तक, उसके बाद जब आपके पास एक बेस बन जाए, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर वो शेयर ऑलरेडी अपने कैपिटल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके वहाँ से ऊपर आ चुके होते हैं, तो जब वो आपको प्रोटेक्शन दे देंगे तब आप अपने नए वेंचर्स के अंदर रिस्क उठा सकते हैं, नई लेयर बना सकते हैं बेस लेयर के ऊपर वाली। तो इस तरह से काम काज होता है अगर आप पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं तो पहली प्रायोरिटी इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कैपिटल प्रोटेक्ट करने पे करिए, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न तो कमा ही लेंगे, कैपिटल बच जाए वही सब कुछ है आपके लिए। ओके, कैप 1300 पे टाटा स्टील। मित्तल साहब, आज सुबह बात हो रही थी सर्वेंद्र से, उन्होंने तो इसमें बने रहने की राय दी थी टाटा स्टील में, मेटल ऑल टाइम हाई पर है, शेयर ऑलरेडी मोमेंटम में है, तो शायद ये कैरी फॉरवर्ड हो, या आप जिस तरह से खबरें आ रही हैं चाइना से एक प्लांट बंद करने को लेकर, शायद तेज़ी पकड़े आगे भी, ये एक्सपोर्ट्स करते हैं और यूरोप में ही शॉर्टेज की बात हो रही है, तो इनके लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन सकता है, तो आप बने रहिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये सर्वेंद्र का भी मानना था। और दूसरा स्टॉक था आपका मास्टेक, तो यहाँ पर भी सर बने रहने की राय, दोनों में कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है, हालांकि टाटा स्टील आपका ऊपर के लेवल पर ज़रूर है, लेकिन एटलीस्ट आप दोनों में ही फिलहाल तो बने रह सकते हैं। ओके, MGL, HDFC, AMC, RIL। सोलंकी साहब, RIL के केस में तो ऑब्वियस बात है, देश की नंबर वन कंपनी है, नए नए एक्सपेंशन है, ब्रोकर हाउस से टारगेट्स पहले बता देता हूँ आपको, 2950-3000 के आसपास के हैं, रिसेंटली एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी थी।
अच्छा, अब बाकी आते हैं आपके दोनों, महानगर गैस और HDFC AMC। महानगर गैस ऑलरेडी बीटन डाउन है, बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, और सेम HDFC AMC में भी ऑलरेडी बीटन डाउन है, तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, तो आप एटलीस्ट बने ही रह सकते हैं तीनों स्टॉक्स में। नंबर वाइज तीनों की सिचुएशन ठीक ठाक है। महानगर गैस की भी बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है गुजरात महाराष्ट्र में। HDFC AMC भी सेकंड लार्जेस्ट AMC बिजनेस में है, और रिलायंस तो ऑब्वियसली देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो आप तीनों में ही फिलहाल तो बने रहिए, ज़्यादा बेटर डील रहेगी। हाउस व्यूज तीनों में ही, HDFC AMC भी कोई कवर नहीं करता। महानगर गैस के लिए पॉजिटिव टारगेट्स हैं, और रिलायंस पे तो आपको टारगेट बता ही जा चुके हैं। ओके, विप्रो केस में नीलेश जी, आज एक चीज़ मैंने इसमें देखा था कि जो टॉप थ्री लार्ज कैप कंपनीज हैं उसमें, मतलब टॉप फाइव लार्ज कैप कंपनीज में जो टॉप थ्री सस्ते वैल्यूएशन में आते हैं 25, 27, 28 के मल्टीपल में, उसमें विप्रो, HCLTech और टेक महिंद्रा आते हैं। हालांकि आज मार्केट ने इस पर ओवर रिएक्ट किया, या वो एक्सेंचर वाली खबर का उल्टा रिएक्शन दे दिया, लेकिन अगर नंबर्स को डिस्काउंट करना शुरू करेगा जब आईटी, तो ये नंबर शायद वेल पोजीशन साइड पर आपको दिखाई पड़ेंगे, शायद यहाँ पर एक अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ेगी, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। उस समय पर दो विप्रो चला हुआ शेयर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वैल्यू बेटर है कि अर्निंग इन्होंने ज़्यादा तेज़ दिखाई है अपनी स्टॉक के प्राइस के कंपैरिजन में, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर कॉल लीजिए। कंपनी में तो ऑब्वियसली अगर टॉप फाइव में आते तो क्या बुराई है फंडामेंटल वाइज, लेकिन नंबर्स अभी अवेटेड हैं, तो नंबर्स को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस क्वार्टर के। ओके, टाइटन एशियन पेंट्स, दिलीप साहब एशियन पेंट के केस में थोड़ा कंसर्न रहेगा, क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, और पिछले दो क्वार्टर के नंबर्स में इनकी इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है, तो इस क्वार्टर के इनपुट कॉस्ट में कितना इंपैक्ट कंपनी पास ऑन कर पाती है, क्या गाइडेंस आती है, नए होम वेंचर कारोबार के अंदर से किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्टोर एक्सपेंशन कैसे हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी कितने वॉल्यूम्स डिक्लाइन देख रही है, ये बहुत कुछ होगा जो इस क्वार्टर के नंबर्स में देखा जाएगा। तो पहली चीज़ तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा कंसर्न फिलहाल इनके लिए इनपुट कॉस्ट है, इनकी क्रूड डेरिवेटिव इनकी कॉस्ट का 38 से 45% हिस्सा लेकर आता है, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पिछले क्वार्टर में $60-70 था, इस बार $110 के आसपास है, तो किस तरह का इंपैक्ट रहता है, कितना पास ऑन करते हैं, कितना प्राइस पे इंपैक्ट है, ये बहुत कुछ है जिसको आप कीनली वॉच करिएगा। और दूसरा स्टॉक था टाइटन। तो दिलीप जी, एक CAIT की रिपोर्ट आई थी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स हैं, उन्होंने बात की कि होली में इस बारी करीब करीब 3,000 करोड़ का शायद कामकाज हुआ है, मतलब होली का बिजनेस ही 3,500 करोड़ रुपये के आसपास हुआ है रंग एंड ऑल का, तो क्योंकि होली का बिजनेस बैक टू नॉर्मल है प्री कोविड जोन से 2020 से भी पहले के, तो ये मानना है कि जो आने वाला शादियों का सीज़न है वो भी उसी तरह का होगा, और शादियों का सीज़न टाइटन के लिए बढ़िया होता है, इसीलिए शायद मार्केट में स्टॉक को भुनाया और तेज़ी पकड़ाई थी 2.5% की। दो क्वालिटी कंपनी है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत चला जरूर है, लेकिन ठीक है अगर आपको डिक्लाइन से मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, और होल्ड करने में दोनों में ही आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से आप होल्ड कर सकते हैं, तो दोनों ही मोनोपोलिस्टिक बिजनेस हैं, अपने अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, डोमिनेटिंग है, तो आप बने रह सकते हैं। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे और मैं उनके जवाब नहीं दे पाया, और जिन्होंने सवाल पूछे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जुबिलेंट फार्मोवा में तेज़ी सर इसलिए थी क्योंकि उसको आज ANDA अप्रूवल मिला था, जिसके आधार पर उसमें एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।